の。बैटरी जिम में करते हम आपका अभी दर्शन करेंगे।
भारतीय स्टेट बँकेचे सीजीएम श्री मुंशीसाहेब यांचं हार्दिक स्वागत आदरणीयांसाठी हे आलेले आहेत. कुलगणपती बाप्पा. सुप्रसिद्ध ड्रेस डिझायनर साई सुमन या अमेरिकेवरून इथे अंधेरीच्या राजाच्या आशीर्वादासाठी आले आहेत. आम्ही त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. बोला गणपती बाप्पा. दरवर्षी आवर्जून या आशीर्वादासाठी इथे येत असतात. सबसे पहले तो जब इनकी 50th ईयर था तब मैंने इनके लिए पूरे 16 दिन के लिए कपड़े डिज़ाइन किए थे. तब मुझे पता लगा था क्योंकि मैं US में रहती हूँ, तो जब मुझे बताया यहाँ की कमेटी ने कि आप चाहो आप यहाँ पे आके डिज़ाइन कीजिए, तब मैं जब मैंने इनके दर्शन किए तो बस तब से लेकर अब तक हर साल मैं वेट करती हूँ कि मैं कब यहाँ आऊँ और कब इनके दर्शन करूँ. और सब जानते हैं कि गणपति बापा तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और उन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे पे भी रखा है. और बस यहाँ आते ही ऐसा लगता है कि बस यहीं पे रहे, घर जाए नहीं वापस. और अभी कल जा रहे हैं तो मन बहुत उदास है, मन करता है कि बस जाए नहीं, यहीं रहे 365 days. सालों से आ रहे हो आप? मैं यहाँ पे 2016 से, ऑलमोस्ट मुझे अभी 6-7 साल हो गए हैं. तो आप किस तरह से गणपति सेलिब्रेट करते हैं? काफ़ी स्पेशल रहता है. हमारे घर में 5 दिन के गणपति आते हैं और बचपन से ये मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है. बिकॉज मतलब जिस हिसाब से दिवाली होती है, लेकिन ये यहाँ पे डेकोरेशन के अलावा जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, दर्शन करने जाते हैं और अच्छा अच्छा खाने भी मिलता है, वो तो प्लस पॉइंट है. इसी वक्त जो है वो मेरा मोदा फेवरेट है. तो मैं वेट करती हूँ कि कब गणपति आए. एंड ऑब्वियसली जैसे आप देख रहे हैं कि सब लोग इतना वेट करते हैं और घंटों से लाइन में लगे रहते हैं ये उम्मीद में कि उनकी एक झलक मिले. और ये चीज़ मैंने किसी भी देश में नहीं देखा है. जो हमारे भारत में जिस हिसाब से सेलिब्रेट होता है
ये कहीं नहीं होता है और सब मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप बचपन से गणपति बप्पा का बैठा रहे हो और क्या कर रहे हो? फेवरेट मेरी मेमोरी ये है कि जब मैं छोटी थी और सबसे पहले हमारे घर पे जब गणपति आए थे तो पहले तो मैं उनको देख ही जा रही थी और फिर ऑब्वियसली मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जैसे मैंने कहा मोदक मेरा फेवरेट था, मैंने जाके किसी ने प्रसाद का चढ़ाया था और वो मैं लेके भाग गई थी। तो मैं हमेशा से बचपन से वही चीज़ करती कि अरे मोदक कब आएगा और उखड़ी का मोदक मेरा फेवरेट है। तो वो जो है वो बस साल में एक ही बार बनता है, एटलीस्ट मुझे तो तभी खाने मिलता है, तो मैं उसकी भी वेट करती हूँ। और चूहे जी भी मेरे फेवरेट हैं जी, मोशक जी जो उनके कान में विश मांगते हैं, अगेन वो बहुत बचपन से वो चीज़ बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग लगती थी कि ये क्या कर रहे हैं सब। तब मुझे मेरी मम्मी ने उसका मतलब समझाया कि ये मोशक है, ये गणपति जी के वाहन है और आप इनके कान में आप कुछ भी मन्नत मांगिए तो वो पूरी होती है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्साइटिंग लगती थी और अब तक हम उसको मतलब करते आए हैं और अब ये एक आदत से बन गई। मैं किसी भी दुनिया में कहीं पे भी रही है, लेकिन जो आपके देश में आके जो आनंद मिलता है और सब लोगों के साथ मिलके जो सेलिब्रेट करने का आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक मेरे लिए बहाना बोलिए जो भी कि मैं आके इसी वक्त अपनी फैमिली के साथ भी वक्त बिताती हूँ और सबके साथ मिलके ये सेलिब्रेट करती हूँ। तो आप जहाँ पे भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनली आए तो ही गणपति पापा आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आप जहाँ पे भी हैं बैठ के अगर आप हाथ जोड़ के नमन करें और उनके बारे में सोचें और प्रार्थना करें, वो आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।